बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसजीआई के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, 5 फैकल्टी के निकाले जाने से जो छात्र हैं वो नाराज थे और इसी वजह से वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संस्थान ने बिना वजह ही फैकल्टी को निकाला और इसी से नाराज होकर जो छात्र हैं वो वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसजीआई के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, 5 फैकल्टी के निकाले जाने से ये छात्र नाराज बताए जा रहे हैं। संस्थान ने बिना वजह इन फैकल्टी को निकाल दिया था, जिसके चलते ये जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फैकल्टी को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया है। हमारी 10 दिन से पढ़ाई नहीं चल रही है और मैं चाहती हूँ कि हमारी मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये कॉलेज चल रहा है, वो हमसे बात करे और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाले, हमारी फैकल्टी को वापस लेके आए। जो फैकल्टी जो आएगी वापस, हम उसी से पढ़ेंगे, हमें दूसरी फैकल्टी से नहीं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि जो फैकल्टी थी उनको निकाला गया बिना वजह, क्या कुछ कहा जा रहा है अब इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद संस्थान की तरफ से? बड़ी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। सभी छात्र छात्राएं बेहद परेशान है और बेहद नाराज है। ये जो रवैया इख्तियार किया है ये कॉलेज प्रशासन ने, इससे वो इतना टूट चुके हैं कि सभी लोग वहाँ बैठे हुए, छात्र भी, छात्राएं भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो बेहद मायूस है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से छात्र छात्राएं बेहद मायूस होकर यहाँ बैठ गए हैं। सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा विधायक, कोई भी ऐसा सांसद, कोई भी ऐसा नेता वहाँ पर आकर इन बच्चों को नहीं मिला है। और ये बेहद निराश इसलिए है क्योंकि इनके जो 5 फैकल्टी है उनको बेवजह जो कॉलेज है वहाँ से निकाला गया है। जाहिर तौर पर एक तरफ तो योगी सरकार तमाम दावे कर रही है कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करें, एक तरफ एक ये चेहरा देखने को मिला है जिससे सभी बेहद हताश और परेशान है। जितेंद्र, इस पर जाहिर है गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो जो संस्थान के प्रमुख हैं वो बाहर आए, उन्होंने बातचीत की, इनको समझाने की कोशिश की? देखिए राजेश, आपको बताएं, स्कूल जो कॉलेज है, कॉलेज प्रबंधन जो है वो बाहर तो आने से रहा, ऊपर से उन्होंने स्थानीय पुलिस को और बुला लिया। छात्र छात्राओं को धमकाने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है, अपना जवाब दिखाती है, अपना दम दिखाती है। मासूम बच्चों पर, छात्र छात्राओं पर दबाव बनाने की बेहद बदतर प्रयास किया जाता है और जिस तरीके से बच्चे वहां पर शांतिपूर्ण अपना विरोध जारी रखा हुआ है बच्चों के द्वारा। और ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। संदीप त्यागी प्रोफेसर जुड़े हैं, इसी संस्थान से हैं वो, उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जो बच्चे विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको आपने मनाने की कोशिश की, उनकी जो समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश की? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं प्रदीप त्यागी बोल रहा हूँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी प्रदीप जी। जी सर, सर बच्चों से तो हमारी बात नहीं हो पा रही है। बच्चे तो शायद सुनने में जो मुझे आ रहा है कि वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का बहुत नुकसान है सर। नहीं, सुनने में तो आ रहा है, हमारे पास तस्वीरें हैं, वो गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कुछ फैकल्टी को निकाला गया वहाँ से बिना वजह, वो बता रहे हैं, इसके चलते उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमें तो सर गेट तक आने से ही मना किया गया, इसीलिए हम कॉलेज तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो इसमें जो जो आपके प्रमुख है संस्थान के, वो क्या कुछ कह रहे हैं? सर उनका कहना कुछ नहीं है, उनका तो सिर्फ इतना कहना है कि आप चले जाइए अपने घर और अपना हिसाब कर लीजिए, हमें कुछ नहीं पता। और हिसाब भी आपका हम ऐसे ही करेंगे, हम आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे आपको सैलरी की, हमको एक मंथ की या 3 मंथ की, हम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। नहीं, विवाद क्या है आपके हिसाब से, ये पूरा विवाद क्या है? विवाद सर कुछ नहीं है, विवाद सिर्फ ये है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अचानक से ही जो डायरेक्टर है कॉलेज की, फार्मेसी की, डॉक्टर बबीता कुमार, वो अपने मनगढ़ंत आरोपों को लगा करके हम पे थोप करके कि ये कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और हम 5 लोगों को बोल दिया जाता है कि आप कल से नहीं आएंगे 6 तारीख को। अच्छा, आप उन्हीं में से एक हैं जिनको निकाला गया है, जिनके समर्थन में ये लोग विरोध कर रहे हैं? जी सर, मैं उन्हीं में से एक हूँ। बाकी सर फिर 9 तारीख को, 8 तारीख को बच्चों ने फिर कुछ प्रदर्शन किया। हाँ। तो 9 तारीख को 2 फैकल्टी को वापस रख लिया गया दबाव में आकर के, ठीक है हम 2 जनों को रख लेते हैं, बाकी 3 को हम नहीं रखेंगे। हाँ। जिसमें से कि एक मैं हूँ जिसको टर्मिनेट कर दिया गया कि आप अपना टर्मिनेट हो जाइए, हम आपको कुछ आपके ड्यूज नहीं रखेंगे। बाकी 2 के कुछ भी ना टर्मिनेशन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो बाकी हमें अपने टर्मिनेशन से या उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो ये है कि जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, मिड सेमेस्टर में 5 फैकल्टी का निकालना कॉलेज से,
और वो भी वो फैकल्टी जो 10 साल से फैकल्टी कॉलेज में रह रही है, पूरा जो अकेडमिक्स में, एडमिशन में, डिसिप्लिन में, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करती है, उन सबको बिना किसी शो कॉज नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एकदम से अचानक बोल दिया जाता है कि आप लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब क्या वहाँ जो संस्थान के जो प्रमुख हैं, जहाँ जो प्रबंधन है वो बाहर आया, चूंकि आप लोग इतनी तादाद में हैं, छात्र आपके साथ है, विरोध कर रहे हैं, समझाने की कोशिश की, चूंकि जाहिर है इससे जो दूसरे छात्र हैं उनकी भी पढ़ाई पर असर होगा। बिल्कुल सर, छात्रों की पढ़ाई का ही हमारा मेन कंसर्न है कि जो छात्रों की पढ़ाई बीच में छूट रही है, 5 फैकल्टी जाने से एकदम से जो भी नया आएगा वो बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। तो चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रदीप जी आपका। ये वो प्रोफेसर थे जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी थी जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, जितेंद्र भाटी थे हमारे सहयोगी, आपका भी शुक्रिया जितेंद्र। तो जो SGI है उसके बाहर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बिना वजह जो 5 फैकल्टी हैं उनको निकाल दिया गया था, उसमें से दो